दोस्तों यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं अपडेट देने जा रहा हूं एक बेहतरीन जानकारी को लेकर, जो जानकारी है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया और सभी उत्तर प्रदेश बैंकिंग का स्टूडेंट सखी मनरेगा मेट पंचायत सहायक अकाउंटिंग एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO और जितने भी सफाई कर्मचारी आशा बहने हैं आंगनबाड़ी बहने हैं वो लोग खुशी से झूम उठेंगे इस वीडियो को अंत तक देखते देखते। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ एक ऐसे सेक्रेट न्यूज भी बताने वाला हूं जिसको जानकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। बस एक निवेदन है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मनरेगा मेट को मानदेय बढ़ा हुआ मिलेगा या पहले वाला ही पैसा मिलेगा? आंगनबाड़ी बहने आशा बहनों का जो मानदेय मिलेगा वो अक्टूबर महीने का मिलेगा या पीछे का भी जो भी का हुआ मानदेय है वो भी मिलेगा? क्या सभी सरकारी असरकारी और संविदा कर्मियों को बोनस भी मिलेगा या बोनस नहीं मिलेगा? दोस्तों बीसी सखी बहनों को क्या अतिरिक्त ब्याज के साथ मानदेय मिलेगा, क्योंकि इनके मानदेय अगस्त सितंबर और अक्टूबर के इन तीनों महीनों को भी नहीं आए हैं? तो दोस्तों इन सभी चीजों को अगर आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। बस एक निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने भी आपके फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप उसमें शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। बस दोस्तों निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए ताकि ये सरकार की गुड न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूं जो आप चाहते हैं। दीपावली पर्व की मिठास दोगुनी करने के लिए प्रदेश के सभी सरकारी अर्ध सरकारी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अक्टूबर माह के वेतन यानी मानदेय का भुगतान प्रत्येक दशा में 1 नवंबर 2021 तक करना सुनिश्चित करें। #UPCM श्री माई योगी आदित्यनाथ जी। दोस्तों ये ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाई, ट्वीट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश CM ऑफिस से यानी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ये ट्वीट किया गया है। उम्मीद करूंगा ये ट्वीट पर सरकार अमल करेगी, ये एक आपके लिए गुड न्यूज निकल के सामने आ रही। बाकी मैं हर एक प्रश्न को एक एक प्रश्न का आपको जवाब देने वाला हूं। जैसा कि मैंने बताया मनरेगा मेट को मानदेय बढ़ा हुआ मिलेगा या पहले वाला पैसा मिलेगा? जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया था वीडियो के माध्यम से, जो भी अक्टूबर महीने की सैलरी है वो बन चुकी है, उसमें आपका अतिरिक्त बढ़ा हुआ मानदेय नहीं लग के आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में सरकार आपको एरियर के तौर पर जो भी अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की बात की है वो आपको मानदेय मिलेगा। और जहां तक हम लोग बीसी सखी के बारे में बात करते हैं, बीसी सखी बहनों को अगस्त सितंबर अक्टूबर इन तीनों महीने के मानदेय अभी तक नहीं मिले हैं। यकीन मानिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ट्वीट किया गया है उस ट्वीट में अक्टूबर महीने का मानदेय हर हाल में 1 नवंबर से पहले आ जाएगा। तो आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आपके अगस्त और सितंबर महीने का भी मानदेय ब्याज के साथ लगकर 1 नवंबर तक आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का रिसर्च और अनुमान कहता है। क्योंकि जितने भी सरकारी अर्ध सरकारी या संविदा कर्मी हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट है, अगर उसमें काम करते हैं तो इस दीपावली के पावन पर्व पर वो संस्थाएँ बोनस के तौर पर कुछ महीने का नहीं कुछ दिन का बोनस, कुछ दिन की सैलरी बोनस के तौर पर देते हैं। तो दोस्तों बीसी सखी बहनों के लिए भी गुड न्यूज निकल के सामने आ जाती है कि आपका 4,000 रुपये जो अक्टूबर महीने का मानदेय है वो तो मिलेगा मिलेगा, बाकी के जो अगस्त और सितंबर महीने का मानदेय है ठीक उसी तरीके से मनरेगा मेट बहनों को भी ये मानदेय 1-1 रुपये जोड़कर 1 नवंबर से पहले सरकार द्वारा जारी किए गए ट्वीट के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, जिस ट्वीट के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों दीपावली के शुभ अवसर पर माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा से अभी अभी ये ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट को आप लोग देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और यकीन मानिए कि इस ट्वीट पर सरकार द्वारा अमल किया जाएगा। आप अपने संबंधित ब्लॉक स्तर से जो भी आपकी बैंक डिटेल की समस्या है या फिर कोई और समस्या है तो वहां जाकर आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को जरूर अपडेट कराइए, क्योंकि आने वाले 2 से 4 दिनों में आपके खाते में पैसे पहुंचने वाले हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। बाकी मेरे इस चैनल को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।